शुक्राचार्य के विश्वासघात और मृत संजीवनी के दुरुपयोग के कारण क्रोधित महेश्वर ने उनसे मृत संजीवनी शक्ति छीन ली। उत्तेजित देवराज इंद्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य के धूम्र तप अवसर से लाभ उठाने की योजना बनाते हैं। अपनी अंतरात्मा के स्वर को सुन इंद्रपुत्री जयंती स्वयं शुक्राचार्य का तप खंडित करने जाती है, किंतु उनकी कठोर शिव भक्ति पर मोहित हो जाती है। जयंती को देख असुरराज महासुर उत्तेजित हो जाता है। कठोर धूम्र तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ शुक्राचार्य को मृत संजीवनी सहित अनेक सिद्धियां प्रदान करते हैं। शुक्राचार्य शिव को ही साक्षी मानकर जयंती को अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करते हैं। बोलो विकटासुर, बोलो। असुरराज, मैंने देखा कि धूम तप की समाप्ति पर धूम तप की समाप्ति पर निसंकोच कहो विकटासुर, धूम्र तप की समाप्ति के पश्चात तुमने क्या देखा? कुछ भी स्मरण नहीं आ रहा असुरराज, मैं सब कुछ भूल गया हूँ असुरराज। दुष्ट मायावी हमसे छल करता है। धन्य है आप भोलेनाथ, धन्य है। असुरराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपहरण तथा इसके छल में मुझे देवताओं का षड्यंत्र दिखाई पड़ता है। देवताओं का नहीं, इंद्र की पुत्री जयंती का। अवश्य ही उसी ने दैत्य गुरु का अपहरण किया है। तुम दोनों ने मुझे उसकी हत्या से रोक दिया, अन्यथा हमें यूं भटक जाना पड़ता। तुम दोनों मृत्यु के योग्य हो। असुरराज, हमें क्षमा कर दे। नहीं, तुमने अनुचित परामर्श देकर दैत्य जाति को संकट में डाल दिया है। नारायण नारायण, ये क्या कर रहे हैं आप असुरराज? आओ देवर्षि नारद, आओ, तुम अच्छे समय पर आए। दैत्य संस्कृति में क्षमा का कोई स्थान नहीं। परंतु इन दोनों की हत्या करके आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा को अनदेखा कर रहे हैं। नारद, तुम बिना आज्ञा के हर जगह उपस्थित हो जाते हो और बिना पूछे परामर्श देते हो, ये अनुचित है। नारायण नारायण, उचित समय पर अनुकूल परामर्श देना भी तो अनुचित नहीं है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं आपको अपनी शक्ति के विकास का आदेश दिया था। इन दोनों शक्तिशाली असुरों की हत्या कर आप दैत्य शक्ति को क्षीण तो नहीं कर रहे हैं? वैसे मेरे यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और ही था। क्या उद्देश्य था तुम्हारा? कहीं तुम भी दैत्य गुरु के अपहरण में दुष्ट देवताओं का साथ तो नहीं दे रहे? नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं असुरराज? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपहरण? हाँ नारद, दुष्ट शत्रु देवताओं ने परम पूज्य दैत्य गुरु के अपहरण का दुस्साहस किया है। नारायण नारायण, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है असुरराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो आश्रम में आप लोगों से मिलने के लिए व्यग्र हो रहे हैं। नारद, क्या तुम सत्य कह रहे हो? नारद ने अपने जीवन में आज तक कभी असत्य बोला ही नहीं। यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास ना हो तो आप स्वयं आश्रम जाकर देख लें। नारायण नारायण, चलो। ये शुभ सूचना सुनकर हम तुम दोनों को क्षमा करते हैं। असुर वीरो, दैत्य गुरु के आश्रम की ओर चलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, महाबली महासुर की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः महाबली दैत्यराज महासुर की। महाबली दैत्यराज महासुर की। दैत्यराज महासुर की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय बोलो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। संजीवनी शक्ति के साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। मैं आपकी विशाल असुर शक्ति को प्रणाम करता हूँ दैत्य वीरो। दैत्य गुरु,
हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम दैत्य गुरु। दैत्य गुरु, आप कहाँ दृश्य हो गए थे? क्या दुष्ट इंद्र की पुत्री जयंती ने आपका अपहरण करने का दुस्साहस किया था? आपके गुरु का अपहरण तो दूर, उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं है आपके शत्रु में शिव की कृपा से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। मैं शिव इच्छा से एक आवश्यक कार्यवश अदृश्य हुआ था। धूम्र तप के सफल अनुष्ठान के साथ ही वो आवश्यक कार्य भी पूर्ण हुआ। बधाई हो दैत्य गुरु। बधाई हो दैत्य गुरु। बधाई हो। मां सिद्धि संपन्न दैत्य गुरु, अब इस शुभ अवसर पर आप हमें दुष्ट देवताओं पर आक्रमण करने की अनुमति प्रदान करें। दैत्यराज, मृत संजीवनी विद्या प्रदान करने के साथ ही आपके हित के लिए शिव शंकर ने जो महत्वपूर्ण कार्य हमें प्रदान किया है, जानते हो वो क्या है? नहीं दैत्य गुरु, हम नहीं जानते, आप ही बताएं। आपकी संहारक एवं हिंसक शक्ति को रचनात्मक बनाने की कामना के साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि युद्ध की भावना को त्याग कर आप तीनों लोकों के प्राणियों को सहानुभूति एवं मित्रता की दृष्टि से देखें। यही शिव इच्छा है और यही उस महत्वपूर्ण कार्य का रहस्य भी। मेरी बात सुनकर आपको आश्चर्य तो अवश्य होगा, किंतु धूम्र तप के परिणाम स्वरूप आपके गुरु के हृदय से हिंसा निकल चुकी है। यदि आप भी अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के इच्छुक हैं, तो युद्ध के स्थान पर मित्रता के मार्ग पर चलो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? आपने स्वयं हमें वचन दिया था कि धूम तप के पश्चात आप हमें स्वर्ग पर आक्रमण करने की अनुमति प्रदान करेंगे। धूम्र तप से पूर्व मेरी मान्यता हिंसक थी दैत्यराज। किंतु हिंसा तो हम असुरों के जीवन की अनिवार्यता है दैत्य गुरु। नहीं मेरे शिष्यों, नहीं, किसी भी जीवन की अनिवार्यता हिंसा नहीं है। जीवन की अनिवार्यता तो प्रेम है, अहिंसा है, मित्रता है। दैत्य गुरु, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रेष्ठ जीवन और दीर्घायु की आकांक्षा रखने वाला प्राणी कभी भी हिंसा को अपना आदर्श नहीं बना सकता। अर्थात दैत्यराज, क्या तुम्हारी वीरता, तुम्हारी परम शक्ति, तुम्हारी महान माता दिति के लिए शोभनीय है कि तुम बार बार शत्रु देवताओं के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो और मैं बार बार तुम्हें मृत संजीवनी से जीवित करूं? नहीं नहीं दैत्य गुरु, ये अत्यंत शोभनीय है और अपमानजनक भी। तो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ये संभव कैसे है दैत्य गुरु? शिव की सृष्टि में शिव भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु हिंसा हमारा स्वभाव है दैत्य गुरु, हम इसका त्याग कैसे कर सकते हैं? हिंसा त्यागने के लिए तुम्हें तीन प्रकार से मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। नित्य हिंसा एवं युद्ध से हम उब चुके हैं। दैत्य नारियां भी युद्ध के नाम से भय करने लगी हैं। हमें वो मार्ग बताएं दैत्य गुरु। हमें क्या करना होगा दैत्य गुरु? हमें बताएं क्या करना होगा दैत्य गुरु। इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। हिंसा को छोड़ने के प्रथम प्रयास में तुम सबको किसी का भी विरोध करने की भावना का त्याग करना होगा। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। दूसरे प्रयास में प्रत्येक से मित्रता आरंभ करते हुए हिंसा को त्याग कर शिवाराधना करनी होगी। तथा तीसरे प्रयास में आजीवन हिंसा न करने का संकल्प लेकर अपना जीवन शिव चरणों में समर्पित करना होगा। हमें स्वीकार है दैत्य गुरु, हमें स्वीकार है दैत्य गुरु, हमें स्वीकार है दैत्य गुरु। तो श्रेष्ठ जीवन अथवा दीर्घायु प्राप्त करने के लिए किसी क्षण अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो और निरंतर शिवाराधना से अपने मन को स्वच्छ और शीतल करो। जो आ गया। चलो असुर वीरो। असुर वीरो नहीं मासुर, असुर मित्रों। प्रत्येक को मित्र समझना ही अहिंसक जीवन का मुख्य संदेश है। चलो असुर मित्रों। मित्रों,
अब आप सभी मेरे साथ एक स्वर में बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारी इच्छा का सम्मान करते हुए देवगुरु बृहस्पति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का रूप धारण कर असुरों को उनकी असुरता से मुक्त कराकर महान सफलता प्राप्त की है। इतिहास के प्रश्नों पर आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हाँ, देवगुरु बृहस्पति ने वो कार्य कर दिखाया जिसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ देवराज, साधु बने ये असुर कितने भले दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम इतने प्रसन्न हैं जितना कि कभी असुरों को पराजित करने पर भी नहीं हुए। धन्य हैं आप दैत्य गुरु, धन्य हैं। नारायण नारायण। हिंसक शत्रु के अहिंसक मित्र बन जाने से प्रसन्नता तो होती ही है देवराज, परंतु मैं आपके मुख से धन्य हैं आप दैत्य गुरु ऐसा सुनने का इच्छुक हूँ। दैत्य गुरु? हाँ देवराज इंद्र, हाँ। जब दैत्य गुरु और देव गुरु में अंतर ही नहीं रहा तो आप निसंकोच होकर कहें, आप सब कहें, धन्य हैं आप दैत्य गुरु, धन्य हैं, धन्य हैं आप दैत्य गुरु, धन्य हैं। नारायण नारायण। संपूर्ण दैत्यों को युद्ध, संघर्ष एवं प्रतिशोध की इच्छा का त्याग कर जीवन में शांति, भक्ति एवं सदाचार की नीति को अपनाना आवश्यक है। बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य बने देवगुरु बृहस्पति असुरों को उनकी असुरता से मुक्त करवाने के प्रयास में तन मन से सक्रिय हो गए। असुरों ने पूर्ण रूप से स्वयं को शुक्राचार्य बृहस्पति के चरणों में समर्पित कर दिया। वे सभी निरंतर शिव आराधना कर अपने कल्याण के इच्छुक थे। समय का चक्र निरंतर अपनी गति पर आगे बढ़ता रहा और उसी के साथ साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं जयंती की पुत्री देवयानी बालिका से युवती हो गई। माँ माँ ये देखो, मैंने पुन पुष्पों की कितनी सुंदर माला गूंथी है। अरे अरे वाह, क्या हमारी पुत्री देवयानी इतनी बड़ी हो गई है कि इतनी अच्छी माला गूंथ सके। पिता श्रेष्ठ, आप तो सदा मुझे छोटी बालिका ही समझते हैं। पुत्री देवयानी, माता पिता के लिए बालक कितने भी बड़े हो जाए बालक ही रहते हैं। माँ मैं इसे कहाँ लगाऊं? इसे मेरे केशों के साथ घूम दो। अच्छा। आओ पुत्री, तुम भी भोजन कर लो। पिताश्री मैंने भोजन कर लिया है। माँ मैं अपने लिए माला बनाकर लाती हूँ। काल से आप चिंता मग्न दिखाई दे रही हैं। क्या आप हमारी पुत्री देवयानी को लेकर चिंतित हैं? जयंती, हमारी योग्य पुत्री देवयानी को लेकर मुझे किस प्रकार की चिंता हो सकती है? स्वामी, आपको कभी इतना उद्विग्न नहीं देखा। आप निश्चित ही कोई बात हमसे छुपा रहे हैं। जयंती, ये कर्तव्य का ज्ञान है। कर्तव्य का ज्ञान? हाँ जयंती, आज प्रातः भोजन के समय देवयानी को तुम्हारे केशों में माला गूंथते देख मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ।
ये कर्तव्य एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति है स्वामी। पुत्री के विवाह को लेकर आपका चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु पुत्री देवयानी के लिए आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। पुत्री देवयानी के वर स्वरूप योग्य से योग्य युवक स्वयं विवाह के लिए लालायित होगा। जयंती, इस समय मेरे हृदय में केवल देवयानी के विवाह की चिंता नहीं है। पुत्री देवयानी के विवाह के अतिरिक्त अन्य कौन सी चिंता है आपको स्वामी? जयंती, तुमसे विवाह के उपरांत एकांतवास करते हुए कितना अधिक समय व्यतीत हो गया है। सत्य तो यह है जयंती कि तुम जैसी पत्नी और देवयानी जैसी पुत्री पाकर मैं तो दैत्य गुरु का कर्तव्य ही भूल गया। जीवन के लिए परिवार के प्रति किया गया आपका कर्म भी तो अनावश्यक नहीं है स्वामी। जयंती, जीवन में कोई भी कर्म अनावश्यक नहीं होता, प्रत्येक कर्म अनिवार्य तथा आवश्यक है। हमारे मार्गदर्शन के बिना बेचारे असुर न जाने कहां कहां भटक रहे होंगे। अब हमें अपना अज्ञातवास त्याग कर शीघ्र ही आश्रम पहुंचना है। जयंती, क्या तुम इस बात की इच्छुक नहीं कि हम आश्रम पहुंचकर अपने कर्तव्य का पालन करें? स्वामी, आपकी इच्छा के समक्ष मेरी अनिच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो आपको प्रिय है वही मुझे भी प्रिय है, किंतु किंतु क्या जयंती? मुझे चिंता केवल देवयानी की है स्वामी, कि इस वन प्रदेश में स्वतंत्र विचरने वाली वो लड़की आपके आश्रम व असुरों के बीच कैसा अनुभव करेगी। ये क्या माँ, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रिय पुत्री देवयानी, हम तुम्हें लेकर किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। मुझे लेकर? मैंने ऐसा क्या कर दिया पिता श्रेष्ठ? पुत्री, तुम्हें हमारे आश्रम चलना कैसा लगेगा? आश्रम? सत्य कहूँ? हाँ पुत्री, हमारे आश्रम लौटने का निर्णय तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। सत्य तो ये है कि इस एकांत वन प्रदेश में अकेले भटकते भटकते मेरा मन ऊब गया है। मैं स्वयं कई दिनों से सोच रही थी कि आप दोनों को अपनी इस उद्विग्नता से परिचित करवाऊं। पुत्री देवयानी, तुम्हें हमारे आश्रम का वातावरण अवश्य अच्छा लगेगा।